राफेल मुद्दे पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा, विपक्षी दल देश की सुरक्षा से कर रहे हैं खिलवाड़। अखबार में छपी रिपोर्ट पर उठाए सवाल, राफेल को लेकर हर सवाल का जवाब पहले ही देने की कही बात, जेपीसी से जांच की मांग पर अड़ी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में गरीबों को लूटने वालों को बचाने के लिए धरने पर बैठी थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जलपाईगुड़ी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया आरोप, कहा ममता सरकार ने प्रदेश की माटी को बदनाम और मानुष को किया मजबूर। जलपाईगुड़ी में 1938 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे की परियोजना की रखी आधारशिला। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के आरक्षण रोस्टर पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका मंजूर नहीं होने पर अध्यादेश या विधेयक लाएगी सरकार। राज्यसभा में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मामले का हल निकलने तक भर्ती पर रोक का भी दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर में लद्दाख बना तीसरा प्रशासनिक और राजस्व डिवीजन। राज्य प्रशासन का फैसला लेह और कारगिल के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग हुई पूरी। और टीम इंडिया ने दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। रोहित शर्मा के शानदार अर्धशतक और कुणाल पांड्या की बेहतरीन गेंदबाजी से 3 टी20 मैचों की सीरीज में 1-1 से की बराबरी। टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा।